नमस्कार दोस्तों, मैं इंजीनियर रविन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने सिविल टिप चैनल में। तो फ्रेंड, मैं आज आपको पीसीसी और आरसीसी के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आपको पता होने चाहिए। तो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। दोस्तों, हम आइए स्टार्ट करते हैं पीसीसी और आरसीसी का बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पे एक बीम लेते हैं, ये कोई बीम है। ठीक है दोस्तों, ये बीम है, ये किसका बीम है दोस्तों? सीमेंट कंक्रीट का बीम है। किसका बीम है? सीमेंट कंक्रीट का बीम है। अगर इस पे हम लोड लगाते हैं, तो दोस्तों इसमें कुछ कंडीशन ऐसी हो जाएगी, लोड लगाने पर बीम की, तो ये बकल कर जाएगा। लोड लगा दे तो बकल करेगा, तो ये बकलिंग हो रही है दोस्तों। कहीं यहाँ से न्यूट्रल अक्ष कुछ होगी, इसकी न्यूट्रल अक्ष कहीं यहाँ से होगी दोस्तों। तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है, वो कंप्रेशन में आ जाएगा, और नीचे वाला जो पोर्शन है वो दोस्तों टेंशन में आ जाएगा। न्यूट्रल अक्ष के ऊपर वाला जो पोर्शन कंप्रेशन में आ जाएगा, नीचे वाला आ जाएगा टेंशन। और हम सभी जानते हैं कि कंक्रीट जो होती है वो कंप्रेशन में स्ट्रेंथ देती है। जो ब्रिटल कंक्रीट जो होती है, वो स्ट्रेंथ का देती है कंप्रेशन में। इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है। कंक्रीट की जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो दोस्तों ज़्यादा होती है, जबकि टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत पुअर होती है। क्या होती है दोस्तों? बहुत पुअर होती है। तो हम बात करते हैं, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत पुअर होती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होगा? लोड आएगा तो इसके कारण यहाँ पे क्रैक देखने को अपने को मिलेगी। यहाँ पे इस पर्टिकुलर पार्ट का नीचे अपने को क्या देखने को मिलेगी? यहाँ पे क्रैक देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी दोस्तों? यहाँ पे क्रैक देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पे क्रैक आती है तो क्या होगा? स्ट्रक्चर अपना बीम जो है वो फेल हो जाएगा। अब आरसीसी है तो बीम तो पूरा फेल हो जाएगा। अब क्या होगा कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैसे आती है? अब सीमेंट कंक्रीट है तो सीमेंट कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आती कैसे है? दोस्तों, सीमेंट कंक्रीट में क्या होता है? एग्रीगेट होता है। और कौन सा होता है? कोर्स एग्रीगेट होता है। कोर्स एग्रीगेट जो है उसकी जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है दोस्तों वो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। और ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कैसे आती है? क्योंकि ये इग्नियस रॉक्स की बनी होती है। जो एग्रीगेट होता है वो इग्नियस रॉक्स के बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, इग्निस रॉक्स के बने होते हैं तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो ज़्यादा होती है, मोर होती है। तो सीमेंट कंक्रीट जो होती है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत हाई होती है, जबकि टेंशन स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत पुअर होती है। ठीक है, तो उसके बाद में हम क्या करते हैं कि इस स्ट्रक्चर्स में हम देखते हैं कि इस स्ट्रक्चर में रेनफोर्स्ड की बात की जाए तो ये कुछ बीम है अपना, कुछ बीम लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बीम है, इस पर लोड लगाते हैं तो कुछ इस तरह से बेंडिंग होगी इसकी। यहाँ से कहीं न्यूट्रल अक्ष गुजरेगी, ऊपर वाला जो पोर्शन है वो आ जाएगा कंप्रेशन में, नीचे वाला पोर्शन आ जाएगा टेंशन में। ठीक है दोस्तों, ये क्रैक को रोकने के लिए क्या करेंगे हम? स्टील लगा देंगे, स्टील बार कहाँ प्रोवाइड करते हैं? टेंशन जोन में। क्यों प्रोवाइड की दोस्तों? क्योंकि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है कंक्रीट की वो दोस्तों हाई होती है, जबकि टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो पुअर होती है। और स्टील जो बार की होती है, स्टील बार की टेंसाइल स्ट्रेंथ वो अच्छी होती है, कितनी होती है? हाई होती है। तो स्टील बार अपने ने प्रोवाइड किया। और वैसे भी देखा जाए तो जो कंक्रीट है और जो स्टील है का जो थर्मल एक्सपांसन जो होता है एल्फा, वो दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी सेम करती है। इसलिए हम स्टील बार प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। इसलिए हम क्या करते हैं? स्टील बार प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? स्टील बार प्रोवाइड करने पर क्रैक तो आएगी। क्रैक किसके द्वारा रुक जाएगी? स्टील के द्वारा। ये स्टील बार लगाई है उसके द्वारा जो है वो क्रैक्स जो है वो रुक जाएगी। क्रैक्स रुक जाएगी तो हमारा स्ट्रक्चर फेल नहीं होगा,
ठीक है दोस्तों, हमारा स्ट्रक्चर फेल नहीं होगा, क्रैक रुक जाएगी, हमारा स्ट्रक्चर कभी फेल नहीं होगा। तो RCC का मतलब क्या होता है? RCC का मतलब रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट होता है। और PCC का मतलब क्या होता है दोस्तों? PCC का मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है। जनरली जो सीमेंट कंक्रीट जो होती है, सीमेंट कंक्रीट को होती है, उसको जनरली क्या भाषा में बोलते हैं? PCC बोलते हैं, प्लेन सीमेंट कंक्रीट। RCC का मतलब होता है रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। अब रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट में रेनफोर्स्ड वर्ड का मतलब क्या होता है? रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट में जो रेनफोर्स्ड का शब्द आया है उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है दोस्तों, ये क्या होता है? इम्प्रूव स्ट्रेंथ। ठीक है, इसको स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए रेनफोर्स्ड का यूज किया था। रेनफोर्स्ड का मतलब यही होता है कि इम्प्रूव स्ट्रेंथ ए पर्टिकुलर मटेरियल। पर्टिकुलर मटेरियल जैसे कि जो सीमेंट कंक्रीट है, ये PCC है दोस्तों। तो इसकी मटेरियल की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इस मटेरियल को क्या होता था कि ये पुअर था, अपने टेंशन में कंप्रेशन में अच्छा था, तो क्या हो क्रैक आ रही थी। तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, सीमेंट कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए क्या बर प्रोवाइड की? स्टील बर अपना प्रोवाइड की। अगर स्टील बर प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा? इम्प्रूव स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। इससे क्या बढ़ जाएगी? जो सामर्थ्यता है, स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगी। तो इसके कारण रेनफोर्स्ड का मतलब क्या होता है? इम्प्रूव स्ट्रेंथ ऑफ पर्टिकुलर मटेरियल सीमेंट कंक्रीट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम देखते हैं कि जो कंक्रीट होती है, जो आरसीसी होती है दोस्तों, आरसीसी के स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें क्या होता है कि आरसीसी के स्ट्रक्चर जो होते हैं वो टेंशन जोन में, टेंशन जो है बेंडिंग के कारण, बेंडिंग होती है तो टेंशन जो पूरा है बेंडिंग हो जाएगी। इस पर लोड लगाएंगे तो क्या होगी? ये बीम है दोस्तों, तो इस पर हम लोड लगाएंगे तो क्या हो जाएगी? ये बेंड कर जाएगी। तो बेंडिंग के कारण जो टेंशन जो है वो पूरा का पूरा कौन लेता है? स्टील लेता है, क्योंकि स्टील जो होता है वो डक्टाइल मटेरियल होता है। ये दोस्तों क्या होता है? स्टील जो होता है डक्टाइल मटेरियल होता है। कहीं से न्यूट्रल लक्ष्य है तो ऊपर वाली जो कंप्रेशन जोन है ये जो होता है वो ब्रिटल मटेरियल, जो कंक्रीट जो होता है वो दोस्तों क्या होता है? ब्रिटल मटेरियल होता है। जो कंक्रीट होता है वो हमेशा ब्रिटल मटेरियल होता है दोस्तों। ठीक है, तो ब्रिटल मटेरियल होता है तो कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होती है, जबकि स्टील की जो है वो टेंशन स्ट्रेंथ हाई होती है। और ये डक्टाइल मटेरियल होता है, क्या होता है दोस्तों? डक्टाइल मटेरियल होता है। तो उसके बाद में हम देखेंगे जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है ड्यू टू बेंडिंग। अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, अब ये अपना बीम है। ठीक है दोस्तों, ये बीम है तो ये बेंड कर जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? बेंड हो जाएगा। ये कहीं से यहाँ पे न्यूट्रल अक्ष होगी और ये ऊपर वाला पोर्शन कंप्रेशन वाला है, नीचे वाला पोर्शन जो है वो टेंशन वाला है। ठीक है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होती है दोस्तों, वो बेंडिंग के कारण जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अपन कितनी लेते हैं दोस्तों? 0.45 FC के लेते हैं। FC के क्या है? कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है दोस्तों? 0.45 जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है बेंडिंग के लिए। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है बेंडिंग के लिए ड्यू टू बेंडिंग 0.45 FC के लेते हैं। अब टेंशन जोन की बात करते हैं तो इसके बेंडिंग के कारण जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है दोस्तों? 0.75 FC की होती है। कितनी होती है? 0.75 रूट FC की होती है दोस्तों। ठीक है, FC के जो होती है वो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है FC के। तो FC के कैसे हम फाइंड करते हैं दोस्तों? आइए हम बात करते हैं FC के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है दोस्तों, एक क्यूब लेते हैं सबसे पहले। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम सबसे पहले एक क्यूब लेते हैं, 30 सेंटीमीटर का क्यूब लेते हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें सीमेंट कंक्रीट भरते हैं। क्या भरते हैं दोस्तों? सीमेंट कंक्रीट भरते हैं और उसको टेम्पर से चढ़ से दो बार कॉम्पैक्ट करते हैं। उसके बाद में इसको कॉम्पैक्ट करने के बाद इसको पानी में डाल देते हैं। वो 3 दिन बाद, 7 दिन बाद और 28 दिन तक इसको
पानी में डालते हैं और अलग अलग सैंपल को 3 दिन पर स्टेंट चेक करते हैं, एफसी के चेक करते हैं, 7 दिन पर एफसी के चेक करते हैं और 28 दिन पर जो एंडिंग प्रोसेस होती है वो 28 दिन की होती है। उसके बाद में 28 दिन में जितनी जितनी अपनी कंप्रेसिव स्टेंट आती है, 28 दिन बाद में 28 डे के बाद में जो कंप्रेसिव स्टेंट आती है वो होती है दोस्तों एफसी के। अगर M30 ग्रेड की कंक्रीट है, ठीक है दोस्तों, M20 ग्रेड की कंक्रीट है तो 1:3 के अनुपात में मिक्सर होता है। M जो होता है वो क्या होता है, मिक्स होता है। M का मतलब जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, मिक्स होता है। M का मतलब क्या होता है, मिक्स होता है, ठीक है, मिक्स है। तो ये क्या है, सीमेंट है, ये सैंड है और ये दोस्तों कॉस एग्रीगेट है। क्या है दोस्तों, कॉस एग्रीगेट है, सैंपल है। सैंपल को 28 दिन बाद में, ये सैंपल है तो सैंपल को 28 दिन के बाद में क्रैक किया जाता है। तो कंप्रेसर UTM मशीन पर किया जाता है, UTM मशीन पर टेस्टिंग की जाती है, इसमें क्रैक डेवलप हो जाती है। तो कंप्रेसिव ये मटेरियल जो होता है वो कॉम्पैक्टेड मटेरियल करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये अभी मैंने बताया था कि अभी मैंने बताया था कि 30x30 का तो है, तो ये दोस्तों 30x30 का नहीं है, ये ये 15 है, 15 सेंटीमीटर कितना है, 15 × 15 × 15 सेंटीमीटर है दोस्तों, 15 × 15 × 15 सेंटीमीटर का क्यूब होता है, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना, 15 × 15 सेंटीमीटर का क्यूब होता है। उसके बाद में हम यहाँ पे बात कर रहे थे M20 का मतलब मिक्स होता है, ठीक है दोस्तों, M20 का मतलब मिक्स होता है। ये एक जो है वो सीमेंट है, 1.5 जो है वो सैंड है, 3 जो है वो कॉर्स एग्रीगेट है, ठीक है दोस्तों, कॉर्स एग्रीगेट है। 28 दिन बाद में UTM पे और CTM पे उसकी जो स्टैंड निकालेंगे, कॉम्पैक्ट मटेरियल करेंगे तो इसमें स्टैंड देगा। और ये जो मिक्स होता है, कॉन्क्रीट मिक्स इन कंप्रेसिव स्टैंड शो करता है, मिक्स जो होता है ये कंप्रेसिव, ये जो होती है वो कंप्रेसिव स्टैंड शो करता है। ये क्या करता है, कंप्रेसिव स्टैंड शो करता है। अगर क्यूब की स्टैंड अगर 25 आती है, 25 न्यूटन पर MM स्कोर आती है तो हम क्या लेते हैं, 5 को कम करते हैं, 5 को कम करके क्या लेते हैं, 20 लेते हैं, ठीक है। तो ये M20 ग्रेड की कंक्रीट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि कंक्रीट की बात करते हैं, अगर कंक्रीट की बात करें, एग्रीगेट की बात करते हैं दोस्तों। अगर एग्रीगेट की बात करें, एग्रीगेट जो होता है वो लेस देन 90 हो, ठीक है दोस्तों, 90 हो, 19 mm हो, ठीक है दोस्तों, 19 mm हो। और तो साइज ऑफ सैंपल कितना लेते हैं, साइज ऑफ सैंपल लेते हैं मोल्ड की, वो कितनी लेते हैं, वो 100 × 100 × 100 mm लेते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि 100 × 100 × 100 mm लेते हैं अगर एग्रीगेट की साइज अगर 19 mm से कम है। अगर एग्रीगेट की जो साइज है वो 19 mm से ज़्यादा है दोस्तों, अब बात करते हैं जो एग्रीगेट की साइज है, एग्रीगेट जो होती है उसकी साइज जो होती है 19 mm से कम है तो क्या कौन सा यूज करते हैं, 100 × 100 × 100 दोनों समान यूज करते हैं दोस्तों, mm का जो क्यूब होता है वो यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। हम वापिस से डिस्कस करने वाले यहाँ पे जो पीछे वाला पड़ा हुआ था कुछ इस प्रकार से, M20 है तो M का मतलब क्या होता है, मिक्स है, और 20 का मतलब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है और स्टैंडर्ड क्यूब की कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है आफ्टर 28 डे ऑफ कास्टिंग। कास्टिंग करने के 28 दिन बाद में जो सामर्थ्यता होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है वो क्या है, 20, ठीक है। अब तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हम डिनोट कर सकते हैं जो FCK हो जाएगा, FCK कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। FCK क्या है, ये है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, ठीक है दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों स्टील और कंक्रीट की बात करें दोस्तों तो स्टील की बात करते हैं। ये स्टील है दोस्तों, स्टील जो होता है वो क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल होता है, ठीक है दोस्तों, डक्टाइल मटेरियल होता है। तो इसकी बात करते हैं, इसके अभी टेस्टिंग करते हैं, ये विकृति है, ये ई स्ट्रेन है और ये सिग्मा,
स्ट्रेस है, ठीक है। इसके बीच में अगर ग्राफ बनाते हैं तो पहले लीनियर बिहेव करता है, ठीक है दोस्तों, लीनियर बिहेव करता है, इलास्टिक भी, उसके बाद में ये कुछ इस प्रकार से बैंड होते हुए, ऐसे ऐसे होते हुए इस प्रकार से ये यहाँ पे जाके फेल हो जाता है, ठीक है दोस्तों, ये फेलियर पॉइंट आ जाता है इसमें, ठीक है दोस्तों। पहले तो लीनियर बिहेव करता है इलास्टिक लिमिट के अंदर, फिर प्लास्टिक लिमिट के अंदर आ जाता है, उसके बाद में ये अपने यहाँ पे आके फेल हो जाता है, ठीक है। अब ब्रिटल मटेरियल की बात करें, ब्रिटल मटेरियल कौन सा है दोस्तों, कंक्रीट की बात करते हैं तो इसमें जो है ब्रिटल मटेरियल कंक्रीट की बात करते हैं तो कंक्रीट में जो है वो फेलियर कहाँ पे आ जाएगा, ये ई है, ठीक है दोस्तों, ये विकृति है, स्ट्रेन है और ये है स्ट्रेस, ठीक है दोस्तों। तो ये पहले लीनियरी बिहेव करेगा, लीनियरी बिहेव करने के बाद में ये इलास्टिक में वो प्लास्टिक यहाँ पे आके फेल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे आ जाएगा, फेल हो जाएगा, ये आके फेलियर पॉइंट दिखाएगा, तो ये मतलब ब्रिटल मटेरियल जल्दी फेल हो जाता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में, ठीक है दोस्तों। और टेंशन जो कि स्टील जो है वो जल्दी फेल नहीं होता, तो ये दोनों इसके फेलियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अपने अब बात करेंगे जो रेनफोर्समेंट के रोल क्या होता है, रेनफोर्समेंट काम कर क्या करता है। अगर हम बात करें रेनफोर्समेंट के रोल क्या होता है, रेनफोर्समेंट अगर लगाया है, स्टील लगाया है, तो इसके रोल क्या होता है, वो तो होता है, वो एक तो होता है प्रोवाइड टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो तनन सामर्थ्यता जो होती है उसको प्रोवाइड करवाने का काम करता है रेनफोर्समेंट। दूसरा है प्रोवाइड डक्टिलिटी को प्रोवाइड करता है किसको, कंप्रेशन मेंबर, कंक्रीट मेंबर को क्या प्रोवाइड करता है, डक्टिलिटी। क्या हो रहा था इसमें, बीम बनाया था टेंशन जोन में जो है वो पुअर था, तो स्टील प्रोवाइड की थी, तो कंक्रीट मेंबर को डक्टिलिटी प्रोवाइड करने का काम किसने किया, स्टील ने किया तो वो रेनफोर्समेंट है। उसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं तीसरा पॉइंट हम देखते हैं अवॉइड प्रोपोजिशन ऑफ क्रैक, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ हम वीडियो समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।